Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Emerging Domain in Electronics Engineering. The subject code is KEC201T and here we are in lecture number 4 of unit number 4. So, in the previous lecture basically we have covered our number system part, number system conversion and three types of conversion we have seen ki decimal se kisi base mein kaise convert kar sakte hain ya kisi bhi other base number ko hum decimal number mein kaise convert karte hain and the third one is base to base conversion yani ki other than decimal base agar hame do base diye gaye hain to hum unme kaise conversion karte hain. Now in this lecture मैं एक आपको बहुत important topic बताने जा रहा हूँ that is called arithmetic within the same base. जी हाँ, digital electronics के अंदर ये arithmetic आपको कहीं पे भी use हो सकता है, so that's why it is necessary to learn this कि basically arithmetic में होता क्या है, कि किस तरह से हम दो binary number को add कर सकते हैं या octal number को add कर सकते हैं, hexadecimal number को add कर सकते हैं, subtract कर सकते हैं, so how this arithmetic will be formed within the same base, या आप कह सकते हैं arithmetic without changing the base, कि अगर मुझे कोई दो binary नंबर दिए जाते हैं तो मैं उन दो बाइनरी नंबर्स को ऐड कर दूं इन बाइनरी फॉर्म इटसेल्फ, मुझे उसे डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है, राइट? सो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन अरिथमेटिक विद इन सेम बेस. नाउ सबसे पहला जो मैंने यहां पे क्वेश्चन लिया दैट इज बाइनरी एडिशन. जी हां, आपको डायरेक्टली गिवन हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन कि यू हैव टू ऐड दिस नंबर एंड दिस नंबर. नाउ इसमें एक और कंडीशन आती है विदाउट चेंजिंग द बेस, राइट? मुझे इन दो नंबर्स को बाइनरी फॉर्म में ही ऐड करना है. आई डोंट वांट टू चेंज कि आप इस नंबर को डेसिमल में ले जाएं, इसका एक इक्विवेलेंट डेसिमल लाएं, फिर इस पर्टिकुलर नंबर को जो सेकंड नंबर है हम इसको डेसिमल इक्विवेलेंट में चेंज करें और इसका हम डेसिमल इक्विवेलेंट लेके आए, फिर उन दो डेसिमल इक्विवेलेंट को मैं ऐड करूं, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया उसे वापस से बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करूं. सो दैट इज अ टू लॉन्ग प्रोसेस और ना ही मुझे प्रोसेस रिक्वायर्ड होता बिकॉज हमें यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम मेंशन भी आता है कि आपको ये दो नंबर ऐड करना है विदाउट चेंजिंग द बेस, तो बाइनरी नंबर को बाइनरी नंबर के साथ ही एड ऑन करना है. सो व्हाट इज द एडिशन प्रोसेस? सो अगर एडिशन प्रोसेस बोलूं तो यहाँ कोई नई चीज नहीं है. अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 55 में आप लोग 18 को ऐड कर दीजिए तो आप लोग मुझे आंसर बोलोगे 8 5 13, 1 कैरी 5 प्लस 1 6 6 प्लस 1 7, सर 73 इज द आंसर. बट ये एडिशन मैंने करा कैसे? मैंने एडिशन किया 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13, राइट? नॉर्मल एडिशन मुझे पता है डेसिमल नंबर 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13. सो 13 में 3 यहाँ लिखा बट 1 कैरी क्यों किया, जबकि अगर नंबर होता है यहाँ पे 4 प्लस 5 5 प्लस 4 तो हम यहाँ 9 लिखते, तब तो हमने कोई कैरी जनरेट नहीं किया. तो कैरी जनरेट हम कब करते हैं? कैरी जनरेट करते हैं व्हेन द रिजल्ट इज बिकम्स ग्रेटर देन योर बेस नंबर. जब यहाँ पे 10 या 10 से ऊपर नंबर बनता है तभी हम उसमें कैरी जनरेट करते हैं. और यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है? जब आप इसमें से बेस नंबर को माइनस कर दो, जैसे कि हमारा 13 बना था, तो 13 में से अगर मैं इस बेस नंबर को माइनस कर दूं 10 तो बचा क्या? दैट इज 3. तो उस बेस नंबर को माइनस करने के बाद जो रिजल्ट बचा वो 3 हमने यहाँ पे लिखा और क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन किया इसलिए यहाँ पे एक कैरी जनरेट हुआ. नाउ 5 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 7. इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये नंबर 10 या 10 से ज्यादा है ही नहीं, तो मेरा आंसर जनरेट हो गया. नाउ यही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बाइनरी केस में भी अप्लाई करते हैं, राइट? तो 0 प्लस 0 क्या होता है अल्टीमेटली? 0. तो 0 को मैं बाइनरी बेस में लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, इसे भी मैं लिख सकता हूँ, 1 प्लस 0 1, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ 1 प्लस 1 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2. क्या मैं 2 को बाइनरी बेस 2 में लिख सकता हूँ? जी नहीं, 2 को मैं बाइनरी बेस 2 में नहीं लिख सकता. हमने पहले ही पढ़ा था कि बेस 2 का मतलब है केवल 0 और 1, यही दो वैल्यू यहाँ पे आ सकती हैं. तो बेसिकली जब हम 1 प्लस 1 2 बना रहे हैं तो ये 2 इस बेस नंबर के इक्वल या इससे ज्यादा हो गया. तो अब की बार मैं क्या करूंगा, इस बेस नंबर को इस 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, रिजल्ट में से सब्ट्रैक्ट करूंगा. सो 2 माइनस 2 क्या बना? दैट इज 0. तो रिजल्ट इज 0 और क्योंकि हमने यहाँ माइनस किया तो यहाँ पे आपका एक कैरी ट्रांसफर हो जाएगा. जैसे हमने अभी डेसिमल में मैंने आपको बोला था 8 प्लस 5 13, 10 या 10 से ज्यादा हो गया, 10 हमने माइनस कर दिया और एक कैरी कर दिया. तो सेम चीज यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो गया, वो आपके बेस नंबर के इक्वल हो गया, तो 2 को मैंने माइनस कर दिया, इट इज 0 और क्योंकि मैंने सब्ट्रैक्शन किया इसलिए कैरी जनरेट हुआ, दैट इज 1. नाउ कंटिन्यू द एडिशन. नाउ 1 प्लस 0 प्लस 1 इट बिकम्स अगेन 2. तो अभी हमने पढ़ा 2 आता है तो यहाँ पे 0 और 1 कैरी, देन 1 प्लस 0 प्लस 0 इट इज सिंपली 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1 प्लस 1 नाउ इट इज व्हाट? इट इज अगेन 2. तो 2 को अगर मैं 2 बेस में लिख रहा हूँ तो फिर से वही 2 सब्ट्रैक्ट, 1 कैरी. नाउ सी 1
प्लस वन प्लस वन, व्हाट इट बिकम्स, इट बिकम्स बेसिकली थ्री। तो थ्री को मैं अपने बाइनरी बेस में कैसे लिखूंगा, क्योंकि ये टू से बड़ा है, तो इसमें से टू माइनस कर दीजिए, तो थ्री में से टू माइनस हुआ, क्या बचा, यहाँ बचा वन। और क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन किया तो इट विल जनरेट अनदर कैरी, और जब ये कैरी जनरेट होता है तो यहाँ पे बेसिकली इन दो नंबर में कोई डिजिट नहीं है, दिस विल ट्रीट इट एज व्हाट, दिस विल ट्रीट इट एज जीरो। तो वन प्लस जीरो प्लस जीरो, इट बिकम व्हाट, इट बिकम्स वन। सो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एडिशन ऑफ दीज टू नंबर, द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज सेज 110100110 This is the addition of these two number, right? अब अगर इस addition की बात करूं तो क्योंकि binary addition most of the जगह use होता है, तो basically ये जो हमने यहाँ पे result generate किया है, इस result को हम यहाँ पे याद भी कर लेते हैं कि what are the rules in the binary addition? क्या rules बने? जब मैंने 1 plus 1 किया तो it says sum 0 carry 1 by 1 plus 1 is 2, 2 को मैं binary में नहीं लिख सकता, तो मैंने यहाँ पे 2 में से 2 minus किया था, sum 0 carry 1, बाकी 1 plus 0 कीजिए, 0 plus 0 के लिए इसमें कोई problem नहीं होती, sum 1 carry 0, sum 0 carry 0, और जब मैंने triple 1 को add किया तो sum भी 1 generate होता है और carry भी 1 generate होता है। तो ये जो binary additions के rule हैं ये हम आगे याद भी रख लेते हैं, so that हमें binary के अंदर बहुत सारी calculation होती हैं वो हमें easily याद रह जाएं। अदरवाइज जो मैंने आपको बेस बताया वो तो बेसिक प्रोसेस है ही, आप किसी भी बेस एडिशन में जाइए, आप कहीं पे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जहां पे हम लोग देखेंगे यही सेम कॉन्सेप्ट कि अगर ऐड करने के बाद नंबर बेस नंबर से ज्यादा हो रहा है देन सिंपली सब्ट्रैक्ट द बेस नंबर और ड्यू टू सब्ट्रैक्शन द कैरी विल जनरेटेड दैट इज वन, राइट। अब यही सेम चीज सब्ट्रैक्शन में देखिए, तो जब सब्ट्रैक्शन करते हैं नाउ आई वांट टू परफॉर्म दिस बाइनरी नंबर और इस बाइनरी नंबर में से इस सेकंड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम कैसे करते हैं, 110 1100 मैंने यहां पे लिख लिया, देन 0011 एंड 0010 यहां पे लिख लिया, नाउ दिस इज बाइनरी एंड दिस इज बाइनरी, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूं सेम सब्ट्रैक्शन आपको पता है, सपोज यू वांट टू सब्ट्रैक्ट 17 माइनस 12, तो आप बोलते हो सर 7 माइनस 2 दैट इज 5 एंड 1 माइनस 1 0, तो आपका आंसर आ गया। बट अगर मैं आपको बोलता 17 माइनस 8, तो आप मुझे बोलते सर 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, वी विल टेक कैरी, राइट, वी विल टेक बोरो, राइट, बोरो हम लेते हैं, तो इस 7 का क्या बन जाता है 17, क्यों, क्योंकि यहां पे बेस नंबर क्या है, बेस नंबर 10 है, तो जो बोरो आप लेते हैं उस बोरो की वेटेज कितनी है, वो वेटेज 10 है। तो सेम चीज अगर मैं यहां पे बोरो ऑक्यूपाई करूंगा बेस 2 के अंदर, तो उस बोरो की वेटेज कितनी आएगी, जी हां उस बोरो की वेटेज आएगी 2, राइट। तो चलिए सब्ट्रैक्शन इसी फॉर्म में स्टार्ट करते हैं, 0 माइनस 0 इट इज नो प्रॉब्लम 0, नाउ इट सेज 0 माइनस 1, तो 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता ना, व्हाट आई नीड बोरो, बोरो कहां से आएगा, बोरो आएगा नेक्स्ट नंबर से, यहां पे है 1, तो बेसिकली ये नंबर कट के अपने आप में 0 हो जाएगा, और क्योंकि एक बोरो यहां पे ट्रांसफर हुआ तो ये नंबर बन जाएगा अल्टीमेटली 2। Why? Because this time we are in base 2 और base 2 में हमारी weightage क्या है? This is 2. So now 2 minus 1 I can perform. This is 1. 0 minus 0, 0 no problem. 1 minus 0, 1 no problem. Again 0 minus 1. तो फिर से same चीज, यहां से borrow लेगा, ये कटके हो जाएगा 0 और ये number कटके हो जाएगा 2 because borrow की weightage है 2. तो 2 minus 1, 1. अगेन नाउ 0 माइनस 1 फिर से नहीं हो सकता, तो अब ये फिर से यहां से बोरो लेगा, तो दिस नंबर बिकम 120 एंड दिस 0 बिकम्स 2, राइट। तो 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, सो दिस इज द सिंपल सब्ट्रैक्शन केस। तो यहां पे मैं आपको देखिए वही सेम अर्थमैटिक सिखा रहा हूं, बट अर्थमैटिक कोई नई चीज नहीं है, जो चीज हमें आती है बस उसी चीज को हम सेम बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी अदर बेस पे अप्लाई कर रहे हैं अदर देन डेसिमल, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ऑक्टल एडिशन, जी हाँ, अब मुझे दो नंबर ऑक्टल यानी बेस 8 में दिए गए हैं, मुझे इन्हें ऐड करना है, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, अगर मुझे ऐड करना है तो 167 इसमें मुझे ऐड करना है 325 और वी आर इन बेस 8, तो बेस 8 की क्या कंडीशन हो गई, बेस 8 में आपके पास 0 से 7 तक के नंबर आ सकते हैं, 8 या 8 से ऊपर नंबर लाई नहीं करेगा, तो अगर मैं 7 प्लस 5 कर रहा हूं तो दैट बिकम्स 12, अब क्या मैं 12 को बेस 8 में लिख सकता हूं, जी नहीं, 12 बेस 8 से ज्यादा है, सो व्हाट इज द प्रोसेस, कि प्रोसेस हमने पढ़ा कि 12 में से 8 को माइनस कर दीजिए तो क्या बचा, दिस बिकम 4, और क्योंकि यहां पे मैंने माइनस किया तो यहां पे जाएगा एक कैरी। इसी चीज को मैंने यहां पे रूल के फॉर्म में लिखा भी है, जो मैं माइनस कर रहा हूं बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं कि जब भी ये नंबर इस बेस नंबर से ज्यादा होता है तो वी विल सिंपली कन्वर्ट दिस नंबर इनटू बेस 8,
राइट इस बेस में हम कन्वर्ट करते हैं। और ये हमने सीखा है कि 7 + 5 = 12 है, तो 12 in base 10 है। अब इस बेस 10 को अगर बेस 8 में लिखना है तो हम कैसे करते थे, इंटीजर को उस पर्टिकुलर बेस नंबर से डिवाइड करते थे। जी हाँ, द रिजल्ट इज ग्रेटर देन द बेस, देन डिवाइड द रिजल्ट बाय बेस नंबर। जो क्वेश्चेंट होता है वो हमारा कैरी हो जाता है और जो रिमाइंडर होता है वो हमारा सम हो जाता है। लाइक 7 + 5 क्या है, 12। तो 12 को अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो 8 1 = 8, रिमाइंडर बचा 4, तो ये 4 आपका सम है और ये जो क्वेश्चेंट है ये हमारा कैरी है। और यही चीज मैंने आपको बताई कि आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सिंपल, जब भी आपका बेस नंबर ज्यादा हो जाए वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका सम आ जाएगा, कैरी आ जाएगा। नाउ जो भी प्रोसेस आप याद रखना चाहें वो प्रोसेस याद रखिए, आइदर रूल और यू कैन डायरेक्टली सॉल्व, आपको तो अल्टीमेटली वैल्यू लेके आनी है, राइट। तो 7 + 5 = 12, 12 का हो गया 4, 4 से यहाँ कैरी हो गया 1। नाउ 6 + 1 = 7 + 2, दैट इज अगेन 9, 9 इज ग्रेटर देन 8, तो फिर से 9 को डिवाइड कर लीजिए 8 से, 8 1 = 8, 8 1 = 8, रिमाइंडर इज 1। सो जो रिमाइंडर है दैट इज 1 ओवर हियर और जो क्वेश्चन है दैट इज एज अ कैरी। एंड 3 + 1 + 1 दैट इज 5, सो द रिजल्ट इज 514 in base 8, राइट। सिमिलरली हम देख सकते हैं नाउ ऑक्टल सब्ट्रैक्शन, अगर मुझे ऑक्टल बेस में नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं तो कैसे करूंगा, सो 516 - 413 मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 - 3, नाउ व्हाट इज द बेस, बेस इज 8, राइट। तो 6 - 3 कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 आ जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। 1 - 1 कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज अगेन 0। 5 - 4 कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज अगेन 1। तो 103 इज द सिंपल आंसर। बट अगर मैं वहीं पे आपको बोलता कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है 516 में से 4, 1 एंड सपोज 8 तो यहाँ नहीं आ सकता, 7 ले लेते हैं, राइट। 516 in base 8 एंड 417 in base 8। तो अब 6 में से क्या मैं 7 को माइनस कर सकता हूँ, जी नहीं, 6 में से 7 माइनस नहीं कर सकता, दैट मीन्स आई रिक्वायर्ड व्हाट, आई रिक्वायर्ड अ बोरो। तो यहाँ से इस 1 से बोरो ट्रांसफर हुआ तो ये पहले 1 हो जाएगा 0, और क्योंकि जो बोरो ट्रांसफर हुआ उसकी वैल्यू क्या है 8, तो दिस 6 + 8 क्या हो जाएगा 14। नाउ 14 - 7 दिस रिजल्ट्स इन 7। 0 में से फिर मैं 1 को माइनस नहीं कर सकता, यानी आई नीड अनदर बोरो, तो ये 5 कैंसिल आउट होके 4 हो जाएगा और इस पे जो बोरो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 8। सो 8 - 1 इट बिकम 7, 4 - 4 इट बिकम 0, तो दिस 077 इन द बेस 8 इट इज माय आंसर, राइट। तो कॉन्सेप्ट वही है जो हम करते आ रहे हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस उस कॉन्सेप्ट को हम इस पर्टिकुलर बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, आपका बेस नंबर चेंज हो रहा है, राइट। इसी तरह से आप हेक्साडेसिमल कर सकते हैं, अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करूं, लाइक वी हैव टेक टू वैल्यूज, सो ऐड करना है, लेट्स स्टार्ट एडिशन, 3f8 एंड 5b3, सो ऐड करना है, अब की बार इन बेस 16 है हम लोग, राइट, तो बेस 16 में आ जाते हैं, बेस 16 में आ जाते हैं, तो 8 + 3 = 11, 11 को मैं बेस 16 में लिख सकता हूं, बट व्हाट इज द सिंबल फॉर दैट, ए रिप्रेजेंट करता है 10, बी रिप्रेजेंट करता है 11, जी हाँ, 11 के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा मैं बी, राइट। देन एफ एंड बी, तो F रिप्रेजेंट करता है 15, राइट, और B रिप्रेजेंट करता है 11, तो दोनों का सम बेसिकली कितना हो गया 26। अब 26 को मैं बेस 16 में नहीं लिख सकता ना, तो 26 को बेस 16 में कैसे लिखूंगा, दिस 26 डिवाइड बाय 16, तो 16 1 = 16, रिमाइंडर बचा 10 और क्वेश्चन हुआ 1, तो ये क्वेश्चन जाता है हमारा कैरी पे और जो रिमाइंडर होता है दैट इज 10, तो 10 का मतलब हो गया A, दिस बिकम द सम। And 1 + 3 = 4, 4 + 5 that is 9, तो 9ab is the simple answer by the hexadecimal addition. Same तरीका आप subtraction में कर सकते हैं, let us subtract these two numbers CB2 - 972, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे CB2 - 972, so 2 में से 2 minus करना है, कोई problem नहीं है, 2 में से 2 minus हो जाएगा, base 16 में result आ जाएगा, that is 0. B में से 7 माइनस करना है, तो B क्या होता है, B होता है बेसिकली 11, तो 11 - 7 दैट बिकम 4। C, नाउ C वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होती है, C इज इक्विवेलेंट टू 12, तो 12 - 9 दैट इज इक्वल टू 3, सो आवर आंसर इज 340 in base 16। सो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, केवल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इस यूनिट के अंदर आपको केवल कॉन्सेप्ट ही क्रैक करना है, राइट। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सो क्वेश्चन तो पेपर में कुछ भी बन के आ सकता है, आप किसी भी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो इन एनी बेस, राइट। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आपको बोलता हूं कि एक नंबर है मेरे पास 43 in base suppose 7, इस नंबर में से मुझे माइनस करना है सपोज 19, तो यहां पे नहीं हो सकता, दैट इज सपोज 16,
राइट, 16 इन बेस 7। अब अगर इस नंबर को माइनस करना है बेस 7 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 3 में से अगर 6 को माइनस करूंगा तो 3 में से 6 माइनस नहीं कर सकता ना, व्हाट आई नीड अ बोरो। सो इस 4 में से कैंसिल आउट होकर एक बोरो चला जाएगा, यहां बचेगा 3, और बोरो जो जाएगा उसकी वैल्यू कितनी है दिस टाइम द बेस इज 7, तो बोरो की वैल्यू 7 है, तो 7 प्लस 3 क्या बनेगा, यहां बनेगा जी हाँ 10। तो नाउ 10 माइनस 6 इट बिकम 4, 3 माइनस 1 इट बिकम 2, सो दिस इज 24 इन बेस 7, दिस इज द आंसर। सो किसी भी बेस में नंबर हो, आफ्टर लिसनिंग दिस लेक्चर आप किसी भी अर्थमैटिक को परफॉर्म कर सकते हो, आइदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, और किसी भी नंबर बेस में आप ये चीज परफॉर्म कर सकते हो। आफ्टर दिस, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स की। जी हाँ, कॉम्प्लीमेंट्स की बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।